हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में, यानी SSBN के बारे में, जिसका नाम है S4। और ऐसी रिपोर्ट है कि इसे नवंबर एंड में इसी साल लॉन्च कर दिया गया है बाय इंडियन नेवी। ये है सैटेलाइट की इमेजेस जिसे जेंस इंटेल ने प्रोवाइड की है, और अगर इसकी माने तो ये इमेज इसी साल के नवंबर एंड की है। तो ऐसा अक्सर होता है कि SSBNs में गवर्नमेंट हमेशा सीक्रेसी मेंटेन करती है, और इस प्रोजेक्ट को ही काफ़ी सीक्रेटली हैंडल किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डायरेक्ट PMO के अधीन भी है। S4 और S4 Star जो है वो बड़े हैं अरिहंत और अरिहास से, और इस वजह से S4 और S4 Star 8 K4 SLBMs मिसाइल्स को कैरी कर पाएंगे, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। और वहीं बात करें अरिघात की, तो अरिघात में सिर्फ 4 K4 SLBMs को कैरी करने की क्षमता है। तो इस तरीके से S4 और S4 Star बड़े होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा, ये 7000 टन्स के वेसल होंगे। ये है अरिहंत क्लास बोट्स की का स्टेटस। अरिहंत कमीशन हो चुका है काफ़ी पहले, अरिघात कमीशन हो गया है सीक्रेटली, S4 अब लॉन्च कर दिया गया है और 2023 तक इसे भी कमीशन कर दिया जाएगा, और S4 स्टार 2022-23 में इसे लॉन्च किया जाएगा और 2025 तक इसे भी कमीशन कर। S4 और S4 स्टार में ज़्यादा बड़े पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, ये 7000 टन्स के बोट्स होंगे, और इस वजह से ये दुगने मिसाइल्स को कैरी भी कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा था, ये 8 K4 SLBMs को कैरी करेंगे, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, या फिर 24 K15 सागरिका मिसाइल्स को कैरी कर पाएंगे ये, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। तो इस तरीके से हमारा S4 और S4 स्टार अपने शेड्यूल में चल रहा है, और इस तरीके से 2023 तक S4 को कमीशन कर दिया जाएगा और 2025 के अंत तक S4 स्टार को भी कमीशन कर दिया जाएगा। तो फाइनली हमारा अरिहंत क्लास के जो बोट्स हैं वो, उनका जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और तब हमारा जो ड्राई डॉक है विशाखापट्टनम का वो खाली हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद भारत का एक और बेहद ही खास, और आप कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा एक नए SSBN का, और वो होगा हमारा S5। जी हाँ दोस्तों, S5 क्लास के SSBNs इसके बनने की शुरुआत होगी जब ये S4 स्टार हमारे ड्राई डॉक से हटेगा विशाखापट्टनम से। ये काफ़ी बड़े होंगे, हमारे S4 और S4 स्टार से दुगने बड़े होंगे। इनकी जो क्षमता है, यानी इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, वो तकरीबन 13500 टन की होगी। ये है हमारा चार्ट जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इन सब में। अरिहंत और अरिघात एक जैसे हैं, S4 और S4 स्टार एक जैसे हैं, S5 काफ़ी बड़ा है, S4 और S4 स्टार से दुगना बड़ा है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी काफ़ी बड़ा होगा, 190 मेगावाट का, और लेंथ भी बड़ी है इसकी, और ये नए तरीके के K5 और K6 SLBMs को कैरी करेगा, 12 से 16, जिसकी रेंज 5 से 6000 किलोमीटर तक की होगी। तो ये अपने आप एक डेडली SSBN होने वाला है हमारा S5। तो ये बात थी दोस्तों आज हमारे S4 और S4 स्टार सबमरीन की, SSBN की। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।